प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षकगण, एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज हम सब यहाँ पर सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक कहानियों का स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरा पहला कहानी, गांधी जी का कोता। एक बार एक छोटा बच्चा गांधी जी से पूछा कि आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते। तब गांधी जी ने कहा कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता। तब उस बच्चे ने कहा कि आप चिंता ना करें, मेरी माँ आपको कुर्ता सिलकर दे सकती है। इस बात को सुनकर गांधी जी ने बच्चे से कहा कि मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन हैं, उन सबके लिए क्या तुम कुर्ता सिल पाओगे। इस बात को सुनकर बच्चे को एहसास हुआ कि गांधी जी पूरे देश को ही अपना परिवार मानते हैं। लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गाना सुनते सुनते आज भी हम जब अपनी आंखें बंद करते हैं तो जिस व्यक्ति का चित्र हमारे दिल में सबसे पहले बनता है वह चित्र हमारे प्रिय बापू जी का है। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उन्हें हम प्यार से बापू बुलाते थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। सभी स्कूलों और संस्थाओं में 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है और उन्हीं की प्रेरणा से आज हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है। उन्होंने दांडी यात्रा, सत्याग्रह जैसे कई आंदोलनों में अपना योगदान दिया। गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम गांधी जी द्वारा स्थापित की गई थी। 30 जनवरी गांधी जी की मृत्यु हो गई, परंतु उनके किए हुए कर्मों के कारण आज भी पूरा भारत गर्वित है और उसी खुशी में मैं कहती हूँ जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। सत्य और परोपकार का रास्ता था। गांधी जी ने कहा था कि मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट पहुंचाना हिंसा है। उन्होंने सत्य को ईश्वर का प्रतीक माना, वे विश्व परिस्थितियों में भी हिंसा का रास्ता अपनाना अनुचित मानते थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई का भी समर्थन किया था। विद्वान साथी एवं प्यारे बच्चों, गांधी एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा का नाम है। वह विचारधारा जो समानता पर आधारित थी। दिनकर जी ने एक जगह लिखा है, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाव में नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। गांधी जी ने मानव मानव की एकता की बात की, अस्पृश्यता को दूर करने की कोशिश की, लोगों से अनुरोध किया कि सबके साथ अच्छा व्यवहार हो, अहिंसापूर्ण व्यवहार हो और आत्म सम्मान के साथ जीने का रास्ता बतलाया। लोगों से यही बतलाया कि सबसे बड़ा मूल्य जो हमारा आध्यात्मिक मूल्य है, भारतीय दर्शन है, हम उसका अनुकरण करें। विडम्बना यह है कि लोगों ने व्याख्याएं अपने अपने ढंग से की, इस वजह से गड़बड़ियां हुई हैं। वर्तमान समय में वो यह रहा है कि गांधी जी की मूर्तियां लगवा लेते हैं, उनके चित्र टांग लेते हैं और उनके सिद्धांतों के अनुरूप काम नहीं करते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम उनके सिद्धांतों का अनुसरण करें। इसी में भारत का और पूरी दुनिया का कल्याण है। आज पूरी दुनिया अशांति में जी रही है और पूरी दुनिया के लोग भले ही भौतिक दृष्टि से काफी संपन्न हुई हो, वर्तमान समय में जो अशांति व्याप्त है उस शांति की खोज में लोग भारत की ओर देख रहे हैं, गांधी की ओर देख रहे हैं। गांधीवाद के प्रति अशेष श्रद्धा व्यक्त करता हुआ मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।